बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस्लामियात जमात चहारम पंजाब टास्क बोर्ड कर रहे हैं, जिसके हमने चैप्टर पाप सोए सीरत तजबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हमने इसका टॉपिक करना है सीरत तजबा का बाप सोइंग का, वो है टॉपिक टू दावतुल तबलीग। इसके हम रीडिंग भी करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दावतुल तबलीग का मफहूम, दावतुल तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया कि वो लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व सहाबिही वसल्लम को भी यही हुक्म दिया, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, तर्जमा ऐ रसूल, ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वसहाबी वसल्लम को चाह दीजिए जो कुछ हाँ ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वसहाबी वसल्लम पर आपके रब की जानिब से नाजिल फरमाया गया है। सूरह मुआइदा आयत 67। नबी करीम ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वसहाबी वसल्लम ने इस हुक्म पर पूरा अमल किया और दावत तबलीग का हक अदा कर दिया। पहले वही के नज़ूल के कुछ अर्सा बाद आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाजिल हुई। दूसरी वही के बाद आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। इब्तदा में जिन लोगों ने आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली सहाबी वसल्लम की दावत को कबूल किया उनके नाम दर्ज है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इब्तदा में आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली सहाबी वसल्लम ने दावत तबलीग का काम राजदारी के साथ किया और सिर्फ करीबी लोगों को ही दावत पेश की। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली सहाबी वसल्लम को अपने अज़ा अकारी को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। तर्जमा ऐ नबी ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसहाबी वसल्लम और अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाइए। सूरह शूरा आयत 214। सूरह शूरा आयत 214। इस हुक्म के मुताबिक आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसहाबी वसल्लम ने अपने ख़ानदान और कबीले के लोगों को खाने पर बुलाया और उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की। आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की दावत के जवाब में सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल थी। नबूवत के 4वें साल से नबी करीम ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम ने खुलम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दाव तबलीग के सिलसिले में ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। काफ़िरों ने आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आप ख़त्मुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम के चचा
हज़रत अबू तालिब ने हमेशा ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जब कुफार ने देखा कि उनकी हर तरह की मुखालफत के बावजूद इस्लाम की दावत फैल रही है तो सब मिलकर हज़रत अबू तालिब के पास गए और कहा कि आप अपने भतीजे को दीन इस्लाम की तबलीग से रोकी या उनके और हमारे दरमियान से हट जाए। हज़रत अबू तालिब ने नबी अकरम खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरैश का मुतालबा रखा। नबी करीम खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दे तब भी इस काम को नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू तालिब ने ये सुनकर फरमाया, भतीजे आप जो चाहें करें, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और हज़रत अबू तालिब ने अपनी आखिरी सांस से इस अहद को निभाया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की नक्शी कदम की पैरवी करें और इस रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात पर सब्र करें, मुश्किलात से घबरा कर नेकी का रास्ता तर्क ना करें। स्टूडेंट्स अब इसकी मशक स्टार्ट करते हैं। मशक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आप ऐसे मशक की तरफ चलते हैं। कौशल मबान सुहा का टिक का निशान लगे तो अलिफ है। नबी अकरम खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। अलिफ है पहली वही के बाद, बे दूसरी वही के बाद, जीम तीसरी वही के बाद, दाल चौथी वही के बाद। तो हम बे पे हम टिक करेंगे कि दूसरी वही के बाद नबी करीम खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। अब बे आवाज़ इस्लाम में आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम किया। अलिफ रातारी से बे अलानिया, जीम रात में, अदाल दिन। हम अलिफ पर टिक करेंगे, रात सारी सी आवाज़ इस्लाम में आ खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम किया। जीम करीबी रिश्तेदारों के इस्लाम तरफ बुलाने का हुक्म किस सूरत में दिया गया? अलिफ है सूरत बकरा, बे सूर अली इमरान, जीम सूरत शुरा और दाल सूरत मुदस्सर। तो इसमें हम जीम पे टिक करेंगे। एक रिश्तेदार के सराम पर बुलाने के लिए इस सूरत में कब दिया गया? सूरत शरा। अब दाल खुफिया तबलीग का सिलसिला जारी रहा। अलिफ तकरीबन दो साल, बे तकरीबन तीन साल, जीम तकरीबन चार साल और दाल तकरीबन पाँच साल। तो हम बे पे टिक करेंगे कि खुफिया तबलीग का सिलसिला जो है वो तकरीबन तीन साल तक जारी रहा। अब क्वेश्चन नंबर टू, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह फूट करें। तुम्हें अलिफ और नबी करीम खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के लोगों को खाने पर बुलाया। तो ये देखिए ये मुझे लिखा हुआ है, ये इस हुक्म के मुताबिक आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान और कबीले के लोगों को खाने पर बुलाया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ख़ानदान और कबीले। बे अकबूल इस्लाम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 10 साल थी। तो
ये देखिए ये लिखा है कि जब आपने इस जीने से सलाम की ऐलान की है किया दावत दी खानदानों और कबीले की, तो उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी थे बच्चों में। तो इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की उसकी उम्र थी सिर्फ 10 साल, हमें लिखेंगे 10 साल। जी मैं तबलीग के सिलसिले में आख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा दैश बर्दाश्त करना पड़ी। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि आप सल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी थी। ये देखिए दावत तबलीग सलाम में आख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। हम तकालीफ जान के लिखेंगे नैसा नबी अकरम खातून नबी जीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि सहाबी सलम के चचा जैश ने हमेशा आपका साथ दिया। उसमें यह आपके चचा अबू तालिब ने आपका हमेशा जो है साथ दिया हर काम में। दुनिया में अबू तालिब लिखे हजरत अबू तालिब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मुझसे शॉर्ट क्वेश्चन मुझसे जवाब दीजिए, जिसमें यानी है दावत तबलीग से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि दावत तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट इसमें आप ये वाला आंसर लिखेंगे, ये देखिए इस्लाम जो है सबसे पहले इब्तदा में जिन लोगों ने आप खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया उनके नाम दर्ज है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यहाँ तक आपने लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत अबू तालिब ने किस मौके पर नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान किया। तो इसका आंसर आपने लिखना है कि अबू तालिब ने नबी अकरम खातम हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान उस वक्त किया जब कुफारे मक्का दीनी इस्लाम की तबलीग रोकने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। आपने आंसर में ये लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट दावत तबलीग के सिलसिले में नबी अकरम खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से हमें क्या सबक मिलता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ये वाला आंसर आपने लिखना है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल खातम नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के नक्शे कदम की पैरवी करें और इस रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात का सब्र करें, मुश्किलात से घबरा कर नेकी का रास्ता तर्क ना करें। इसमें आपने ये लिखना है। तफसीली जवाब लिखे जानकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें अली का इस्लाम की दावत के मराहिल को बयान करें।
इसमें आपने जो आंसर लिखा मैं आपको बताती, जो मराहल इब्ने इस्लाम की तबलीग यानी कैसे कैसे इस्लाम शुरू किया, इस्लाम की तबलीग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसके लॉ क्वेश्चन में आपने सबसे पहले यहाँ से लिखना है कि इब्तदा में आप खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम राजदारी के साथ किया और सिर्फ करीबी लोगों को भी दावत पेश की। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। फिर इसके बाद लिखना आपने, इसके बाद आप खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबी वसल्लम को अपने इज़्ज़त व अकारिब के सलाम की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। उसके बाद आपने अजीज़ो अकारिब के सलाम की तरफ बुलाया, ये आपका दूसरा मरहला है। इस हुक्म के मुताबिक आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान और कबीले के लोगों को खाने पर बुलाया। इसके बाद जो है यहाँ से आपने लिखना है कि नबूवत के 4वें साल से नबी करीम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलम खुलम इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। ये आपने मराहिल में साल ये वाले आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन, दातु तबलीग के सिलसिले में हज़रत अबू तालिब का किरदार बयान करें। स्टूडेंट ये देखिए, अगर क्वेश्चन दातु तबलीग के सिलसिले में हज़रत अबू तालिब का किरदार बयान करें तो इसके आंसर में आपने लिखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। जब दीन इस्लाम की तबलीग को रोकने के लिए कुफार आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए तो हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मुतालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार पर हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नतीजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे करें, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी आखिरी सांस तक इस अहद को निभाया। स्टूडेंट्स के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। हाँ, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि अभी अगर आपको फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह।